Once again, welcome to our channel. So here in this video, we are going to do question number 3. हमने question number 1 and question number 2 exercise 2.3 के already कर लिए हैं, ठीक है? अभी आज हमें इस video में question number 3 को जो कैसे solve करते हैं उसका solution सीखना है, ठीक है? Question number 3 में क्या है? आपको एक polynomial दे रखा है जो biquadratic है, means उसकी जो degree है वो 4 है. एंड आपको उसकी दो जीरो दे रखे हैं, ठीक है? आपको बाकी के दो जीरो जो होते हैं वो पता करने हैं. अब मैंने कैसे बोला कि इसके सिर्फ दो ही जीरो हैं बाकी के, क्योंकि दो आपको ऑलरेडी दिए हैं, बाइक्वाड्रेटिक है तो डिग्री क्या है, 4 है. डिग्री पे डिपेंड क्या करता है, नंबर ऑफ जीरोस. तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए, टोटल 4 होने चाहिए. दो ऑलरेडी गिवन है तो बाकी क्या होंगे, तो जो बाकी दो है वो हमने निकालने हैं. अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं. सबसे पहले जो आपकी जो दो जीरो दे रखे हैं इनसे आपने क्या बनाना है, पॉलीनोमियल बनाना है. अब पॉलीनोमियल बनाने के मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज बताए थे, उसमें से कोई भी वे से आप क्या कर सकते हो, जो पॉलीनोमियल है उसको फॉर्म कर सकते हो. अब देखिए मैं कैसे करूंगी, सम ऑफ जीरोस, हमारे पास ये अल्फा बीटा, ये है सम ऑफ जीरोस के केस में. अगर आप इनको ऐड करोगे तो देखिए क्या आएगा, जीरो. देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 3. सो ये क्या आ गया आपका, -5/3. ठीक है, आप पॉलीनोमियल बना दीजिए. पॉलीनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, x² - sum of zeros एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है? ये फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट कर दी, x² तो ऐसे ही रहेगा, सम ऑफ जीरो कितना है 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ गया -5/3. सो ये क्या दे रहा है, 3x² - 5/3. सो जो रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल है वो क्या है, 3x² - 5, k की वैल्यू क्या होगी इसमें, 1/3. ठीक है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल वो क्या है, 3x² - 5. ठीक है, अब आप इस पॉलीनोमियल से इसको डिवाइड कर दीजिए. क्या किया आपने, जो आपने पॉलीनोमियल फॉर्म किया था किससे, जो दो जीरोस आपको दिए गए हैं उनसे आपने क्या करना है, जो पॉलीनोमियल आपके पास आया है उस पॉलीनोमियल से जो गिवन पॉलीनोमियल है उसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, ये क्या था, 3x^4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5. ठीक है, ये 3x² यहाँ पे क्या है, 3x^4, सो आपको x² चाहिए, 3x^4 - 5x² इसको मैंने इसके नीचे लिख दिया, साइन चेंज. ठीक है, ये कैंसिल, 6x³ ये आ जाएगा प्लस 3x² - 10x - 5. ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 6x³, मींस आपको क्या चाहिए, प्लस 2x चाहिए, तो ये हो जाएगा 6x³ - 10x. ठीक है, माइनस प्लस ये टर्म भी कैंसिल, आपके पास क्या आया, 3x² - 5. आप इसको क्या कर दीजिए, वन टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्रू आउट, तो आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब जब आपने जो आपके पास पॉलीनोमियल फॉर्म हुआ था उससे आपने गिवन पॉलीनोमियल को डिवाइड किया, उसका जो क्वोशेंट आ रहा है आप इसका मिडिल टर्म से क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे. ठीक है, किसका, x² + 2x + 1. ठीक है, अब देखिए आप जब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें आपके पास आया 1, तो आपने मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि जिनको ऐड करके तो 2 आए और मल्टीप्लाई करके क्या है 1. सो देखिए मैं क्या करती हूँ, x + x + 1 कर दिया मैंने. ठीक है, कॉमन लेती हूँ फर्स्ट टू जो नंबर है इसमें x + 1, और जब इसमें करूंगी यहाँ पे तो कोई कॉमन आ ही नहीं रहा, मीन्स 1 है. अब देखिए हमारे पास जो ब्रैकेट है दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर आ रहा है, द सेम साइन. ठीक है, तो x+1 तो कॉमन आ गया, और जो यहाँ से फर्स्ट यहाँ जो टर्म बचा था वो था x, और यहाँ जो टर्म बचा है वो है 1. ठीक है, अब अगर x+1 = 0 है तो x की वैल्यू क्या है, -1. सिमिलरली ये सेम
ब्रैकेट है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या होगा रिजल्ट, इक्वल टू माइनस वन। तो देखिए आपके पास जो जीरोस आएंगे, दो जीरोस तो आपको ऑलरेडी गिवन थे, बाकी जो दो जीरो आए हैं वो क्या है, माइनस वन एंड माइनस वन। ठीक है, अब एक बार फिर से समझ लेते हैं हमने क्या किया है। हमें जो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, जो आपके पास जो पॉलिनोमियल्स के लिए जीरोस गिवन है, ठीक है, आप पहले उनसे एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। ठीक है, जब आपको वो पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाए, उस पॉलिनोमियल से आप जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर आपका जो क्वेश्चन आएगा, आप मिडिल टर्म स्क्रिप्टिंग मेथड से उसके फैक्टराइजेशन करेंगे एंड जो वैल्यूज आएंगी वही क्या होंगे हमारे बाकी के जो जीरोस होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।